दर्शन करके आते हैं, तो हमने देखा तो बहुत एक्साइटेड थी हम अंदर दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों कभी आ। तो दोस्तों ऊपर दर्शन कर लिए, अब हम लोग नीचे जा रहे हैं। नीचे भी देवी जी का स्थान है और मूर्तियाँ हैं, तो दोनों जा रहे हैं अभी। तो इधर तो दोस्तों अभी हम लोग आए हैं होशंगाबाद के करीब 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर स्थान पर। यहाँ पर सारे 12 ज्योतिर्लिंग है भगवान शंकर की पिंडियाँ और मंदिर कैसा क्या है, चलिए चलकर देखते हैं अंदर। हम आपको यहीं से दिखाते हैं व्यू पूरा। देखिए कितना खूबसूरत मंदिर है, कितना बड़ा मंदिर है यहाँ पर, ये देखिए। तो प्रिया भी मेरे साथ है, दोनों आए हम लोग अंदर दर्शन करते हैं भगवान के। सुना है 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर स्थापित हैं हर जगह की, जो कि पूरे भारतवर्ष में स्थापित हैं। उनके दर्शन हम एक ही जगह कर सकते हैं, सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन एक ही जगह हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों मंदिर के बाहर कितना खूबसूरत व्यू है। यहाँ पर पानी भरा हुआ है, बारिश का पानी है और इधर भंडारे की व्यवस्था है, भंडारा हो सकता है यहाँ पर। और ये देखिए चारों तरफ हरियाली, प्राकृतिक नज़ारा बहुत खूबसूरत है। यही चीज़ प्रिया भी यहाँ देख रही है बैठ के खड़ी है। और ये नीचे भी शनिदेव के स्थान है, मंदिर बना हुआ है। आपको इस साइड देखिए भगवान शंकर का त्रिशूल लगा हुआ है, श्री गणेश भगवान। ये देखिए मंदिर के करीब अंबिका माता का स्थान है यहाँ पर, ये देखिए अंबतिका माता। तो मंदिर प्रांगण में जैसे ही अंदर आते हैं तो हमारे बहुत बड़े नंदी महाराज की मूर्ति देखने को मिलती है यहाँ पर। देखिए इतनी खूबसूरत मूर्ति है नंदी भगवान की। और ये देखिए मुख्य मंदिर यहाँ पर कितना खूबसूरत है, भगवान शंकर, माता पार्वती, नंदीश्वर महाराज। दोस्तों हिंगलाज माता है यहाँ पर, ये देखिए ये देवी माँ का मंदिर है, खूबसूरत ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं यहाँ पर। ये देखिए हर सिद्धि माता और सुगंधा माता यहाँ पर। और हम अंदर आते हैं इधर, ये देखिए भगवान जगन्नाथ की मूर्ति है, स्वामी श्री जगन्नाथ जी, सुभद्रा बलराम भगवान। और यहाँ पर ज्योतिर्लिंग ज्योतिर्लिंग है, ये दूसरा ज्योतिर्लिंग है भगवान गणेश की मूर्ति है वहाँ पर, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश। ऐसे ही बाहर आते हैं तो ये देखिए महामाया माता, ज्वाला माता है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं अन्नपूर्णा से भगवान से अन्न लेते हुए, भिक्षा लेते हुए भगवान अन्नपूर्णा से, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी खूबसूरत मूर्ति है। और ये देखिए त्रिपुरा त्रिपुर मालिनी माता जी हैं यहाँ पर, कर्नाटक दुर्गा माता, ठीक है। और ये ज्योतिर्लिंग श्री पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग नेपाल में जो है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। कृतेश्वरी माता, जय माता, मनसा माता का स्थान है यहाँ पर, खूबसूरत। और भगवान जगन्नाथ, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ लक्ष्मीकांत क्षीर, साई लक्ष्मीकांत क्षीर, साई विष्णु भगवान है ना। दुर्गा माता देखिए कितनी खूबसूरत यहाँ पर, लड़की चंडी माता है ना, ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में ज्योतिर्लिंग है, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, ठीक है। बडूला माता का मंदिर माता का है ना, उज्जैनी माता यहाँ पर इसका विराजमान है, ये देख सकते हैं आप। फिर राधा कृष्ण जी की कितनी खूबसूरत प्रतिमा यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आप त्रिपुरा सुंदरी माता स्थान है, महाकाली माता, ठीक है। ये आप देखिए बैद्यनाथ, बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग मंदिर है भगवान शिव की। और ये है बद्रीनाथ जी भगवान है ना, लक्ष्मी प्रिया, नारायण भगवान, नारायण भगवान और उद्धव जी यहाँ पर विराजमान है। तो दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, जो 12 ज्योतिर्लिंग है वो एक ही स्थान पर है यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत मंदिर बनाया गया है यहाँ पर। तो भामरी माता यहाँ पर है दोस्तों, कामाख्या देवी माता की खूबसूरत स्थान पर। और ये रहा ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग है, जो कि हमारे पुणे के पास श्री धाम ग्राम महाराष्ट्र में स्थित है। ये कौन सा भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, ठीक है। ललिता देवी यहाँ पर भवदात्री है ना, क्योंकि यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर नारियल वगैरह फोड़ने और रखने की, यहाँ पर नारियल रख देते हैं नहीं फोड़ना है तो। जयंती माता देखिए,
काली माता का मंदिर, काली माता। और ये देखिए एक और ज्योतिर्लिंग यहाँ पर, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जो कि तमिलनाडु में, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जो कि तमिलनाडु में है। ये देखिए बिमला देवी मंदिर है ना, विशाल लक्ष्मी माता। देखिए नागा माँ गंगा मैया का मूर्ति है यहाँ पर है ना। ये देखिए दोस्तों काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग जो कि वाराणसी में स्थित है। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर सरस्वती मैया की मंदिर, कामाक्षी मंदिर, काली माता की है ना। ये देखिए श्री राम दरबार, राम दरबार यहाँ पर है। गंगा मैया का स्थान मंदिर है ना, शिवानी माता मंदिर, ज्योतिर्लिंग एक और ज्योतिर्लिंग है जो कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है, ये उत्तराखंड में स्थित है। पार्वती माता जी और यहाँ पर नारायण जी देवी। ये देखिए अगला ज्योतिर्लिंग नागेश्वरी ज्योतिर्लिंग है जो कि द्वारका बन गुजरात में है, बाराही देवी है ना। और यहाँ पर देखिए आप अपर्णा देवी है ना, और ये नंदा जी, नंदा मैया का मंदिर। अंदर आते हैं तो अंदर आपको दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए श्री राजेश्वर सहस्त्र बाहू जी की मूर्ति है यहाँ पर, एक कितना खूबसूरत है। ये इधर माँ नर्मदा जी की मूर्ति है, सुंदर माता कालीपीठ, गणेश्वर महाराष्ट्र ज्योतिर्लिंग। इधर आप देख सकते हैं शैलपुत्री माता, ब्रह्मचारिणी माता, अब श्रवणी माता स्थित है, और ब्रजेश्वरी। ये देखिए आप नंदिनी माता, उधर इंद्राक्षी माता, श्री कात्यायनी, स्कंद माता। तो दोस्तों ऊपर दर्शन कर लिए, अब हम लोग नीचे जा रहे हैं। नीचे भी देवी जी का स्थान है और मूर्तियां हैं, तो दोनों जा रहे हैं अभी। तो इधर अपने पतिदेव के साथ मंदिर के दर्शन कर आई हूँ। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग के हैं, तो सभी हमने आपको वीडियो में दिखा है, हमारे साथ हमने आपको भी दर्शन करवाए हैं, तो आप भी दर्शन कीजिए। और यहाँ पर मंदिर बहुत सुंदर है, कभी आप अगर होशंगाबाद आएँ तो यहाँ पर मंदिर पर जरूर आइए आप, क्योंकि यहाँ पर पूरे भारतवर्ष में जो 12 ज्योतिर्लिंग है जिन पर अपन जल चढ़ाने जाते हैं, तो वो पूरे आपको यहीं पर मिल जाएंगे देखने के लिए। एक्चुअली में हम लोग भी कभी नहीं आए थे, हम लोग घाट पर जा रहे थे यहाँ पर, तो हमने मंदिर देखा, दर्शन करके आते हैं तो हमने देखा, तो बहुत एक्साइटेड थी हम अंदर दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों कभी